आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वो बैटरी जो इतने छोटे साइज की, मेरे पास एक्चुअली एक बैटरी यहाँ पर है भी है जो है मैक्स कंपनी की बैटरी, कि ये इसका साइज इतना छोटा होता है लेकिन ये महंगी क्यों होती है। इतनी सारी बैटरी यहाँ है, अलग अलग है, आप देखोगे तो अगर आपका मोबाइल 8,000 का है तो उसमें 1,500 की, 1,000 की बैटरी होती है, अगर मोबाइल 30,000 का है तो उसमें 2,500-3,000 की बैटरी होती है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं बैटरी को अंदर से बाहर से और सब जगह से। तो गाइस एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कंटिन्यू वॉच। चलो तो गाइज ये है बैटरी, जो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ, सबसे पहले बैटरी को देखेंगे तो ये है मैक्स कंपनी की बैटरी जिसकी पावर है 1500 mAh जो है रिचार्जेबल। और यहाँ पे मैं बता दूँ इसका वोल्टेज पावर है 3.7 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट, और क्वेश्चन भी दिया है अवॉइड 16 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर में ये नहीं हो रखी जा सकती है, और प्लीज़ यहाँ पर कोई इसको ज़्यादा हीट टेम्परेचर में ना रखें, यही यहाँ पर दिया है, आप बैटरी को देख सकते हो। और यहाँ पर इसका कनेक्टिविटी पॉइंट, जहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और अर्थिंग पॉइंट। तो चलो आज हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। वाह, चलो गाइज तो मेरे पास है इसके लिए, और इसमें कोई स्क्रू ड्राइवर तो है नहीं है, तो मेरे को एक पकड़ की ज़रूरत है जहाँ से मैं इसको खोलने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर है ये कनेक्टिविटी के पॉइंट, तो इसके बाजू से ही हम इसको ओपन करते हैं। इसका है फ्रंट एंड और मैंने इसको यहाँ से खोल दिया है, और आप अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर थे ये पॉइंट इसके जो मैं यहाँ पे खोल चुका हूँ, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका एक कवर उतार देते हैं। ये ऊपर चलो ये मैं इसका पहले कंपनी का कवर उतार देता हूं। और इसको नीचे से भी खोल देता हूं। इसमें थोड़ी सी गैस निकली है, और यहां से मैं इसको फिर से धीरे से तोड़ता हूं। ये देखिए इसके अंदर अभी आपको बहुत सारा मटेरियल दिखेगा। ये ऊपर से कवर करने के लिए एल्युमिनियम की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चादर से इसको ढका हुआ था, जो फिलहाल मैं तोड़ रहा हूँ। देखिए ये इसका कवर था, जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग टाइप से उसके अंदर था, और उसके बाद में यहाँ पर है इसके ऊपर एक लेयर जिसको इस हिसाब से कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ कार्बन की पन्नियाँ हैं, ये देखिए, तो ये है इसकी लेयर जिसने इसकी ताकत को बरकरार रखा था। देखिए ठीक है, उसके बाद हम इसको एक बार और खोलेंगे, इसमें से एक स्मेल आ रहा है। और यहाँ पर इसमें तो गाइस पूरी पूरी बैटरी का ओपन हो चुकी है। तो बैटरी के अंदर पूरा यही सामान होता है जिससे पूरी एक कंप्लीट बैटरी बनाई जाती है। ये यहाँ पर देखिए आपके पास ये सबसे पहले इसका फ्रंट पॉइंट था, जहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ आईसीस लगी हुई थी जो ये कार्बन से करंट जनरेट करके अंदर स्टोर करके रखती थी, जिससे मोबाइल की पूरी कनेक्टिविटी चालू होती है। तो गाइस यही थी एक बैटरी जो आपने देखा।
हेलो गाइस, तो बैटरी का सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका है और आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे कि बैटरी के अंदर एक्चुअली क्या क्या होता है। तो यही सारा मटेरियल था जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी बैटरी मैंने खोल दिया है। ये उसका फ्रंट था, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पेपर का लेयर था, और ये है एलुमिनियम जहाँ पर पूरे स्ट्रॉन्ग टाइप से वो फिट था, और ये इसका फ्रंट टाइप जहाँ पे कुछ आईसी लगी हुई थी। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर जो बैटरी का हम लोग ने ओपन किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए कार्बन था। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज तुमको पसंद आई है और तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ और ओपन करूँ, कुछ और खोल के दिखाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करीजिए करिए और बताइए कि मैं क्या करूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। गाइज प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच आप फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, एंड ऑल द बेस्ट गाइज।